नमस्कार दोस्तों, मैं जय किसान आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जय इन्फो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने मार्कशीट फॉर्म में कोडिंग किए थे, तो उसमें जो है हमारा कोडिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ और भी कोडिंग करने हैं, जैसे कि परसेंटेज टोटल और ग्रेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम लोग आज के इस वीडियो में कोडिंग करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो में आ चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो में स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के इस सीरीज का ये हमारा 17 नंबर वीडियो है। तो अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके उन सभी वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग फॉर्म को मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कमांड लिखेंगे मॉडिफाई फॉर्म मार्कशीट। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले जो है हम लोग फॉर्म को एडिट करेंगे और उसके बाद जो है न्यू बटन में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग रिकॉल के बाद कोडिंग लिखेंगे दिस डॉट पैरेंट डॉट कमांड टू डॉट कैप्शन इज इक्वल टू एडिट। और उसके बाद जो है इसको हम लोग सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू। और उसके बाद जो है हम लोग एनुअल एग्जाम में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर भी न्यू बटन में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग रिकॉल के बाद सेम कोडिंग यहाँ पर भी लिखेंगे दिस डॉट पैरेंट डॉट कमांड टू डॉट कैप्शन इजिकल टू एडिट। और इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू। और उसके बाद जो है हम लोग टेक्स्ट वन में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग एस आई डी के बाद एस आई डी इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग ऑल ट्रिम नहीं यूज किए थे तो यहाँ पर हम लोग ऑल ट्रिम दे दिए। इसके बाद यहाँ पर भी हम लोग नेम के बाद ऑल ट्रिम देंगे और इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू। और उसके बाद जो है हम लोग वापस आएंगे हाफ ईयरली एग्जाम में और यहाँ पर भी हम लोग टेक्स्ट वन में डबल क्लिक करेंगे इंटरेक्टिव चेंज में जाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग एस आई डी के बाद ऑल ट्रिम देंगे। उसके बाद यहाँ पर नेम के बाद में भी और इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू। इसके बाद बोथ एग्जाम में जाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग टेक्स्ट वन में डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटरेक्टिव चेंज में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग एस आई डी के बाद ऑल ट्रिम देंगे। उसके बाद जो है हम लोग नेम के बाद देंगे यहाँ पर भी ऑल ट्रिम और इसके बाद इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू। और उसके बाद जो है हम लोग हाफ ईयर एग्जाम में आएंगे और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट टोटल में डबल क्लिक करके यहाँ पर भी कोडिंग करेंगे और इसके हम लोग गॉड फोकस इवेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कोडिंग करेंगे दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस डॉट पैरेंट डॉट टेक्स्ट एच एन डॉट वैल्यू प्लस। और इसके बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू। और उसके बाद हम लोग परसेंटेज में डबल क्लिक करेंगे, तो टेक्स्ट परसेंटेज में डबल क्लिक करके गॉट फोकस इवेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कोडिंग करेंगे दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस डॉट पैरेंट डॉट टेक्स्ट टोटल डॉट वैल्यू बाय 5। और उसके बाद जो है हम लोग इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू। और उसके बाद जो है हम लोग ग्रेड में कोडिंग करेंगे, तो टेक्स्ट ग्रेड में डबल क्लिक करेंगे और इसके गॉड फोकस इवेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कोडिंग करेंगे दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई इफ ब्रैकेट ओपन दिस डॉट पैरेंट डॉट टेक्स्ट फॉर डॉट वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 कॉमा डबल कोट में ए। और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ तक कॉपी कर लेंगे आई इफ तक और कॉपी करके लास्ट में आएंगे और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल वी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 80 के जगह पर 60 कर देंगे और डबल कोट में बी कर देंगे। इसके बाद वापस लास्ट में आएंगे और यहाँ पर भी हम लोग कंट्रोल वी करेंगे वापस और यहाँ पर हम लोग 80 के जगह पर
40 कर देंगे और डबल कोट में सी कर देंगे। इसके बाद लास्ट में आएंगे और यहाँ पर हम लोग डबल कोट में डी कर देंगे। और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर 3 times ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्लू। और उसके बाद जो है हम लोग एनुअल एग्जाम में जाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग सेम इसी तरह से यहाँ पर भी कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, टोटल में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट ऑल करेंगे, उसके बाद कॉपी, और उसके बाद जो है हम लोग इसको क्लोज करेंगे और एनुअल एग्जाम में आएंगे और यहाँ पर हम लोग टोटल 2 में डबल क्लिक करके गॉड फोकस इवेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल भी कर देंगे। उसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे कंट्रोल एस। और उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग टेक्स्ट एस सी के जगह पर टेक्स्ट एस सी 2 कर देंगे और यहाँ पर एम्प्टी 2 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर EN 2, इसी तरह से हम लोग बाकी सब में करेंगे HN 2। और इसके बाद जो है हम लोग इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्लू। और इसके बाद जो है हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम में वापस आएंगे और यहाँ पर परसेंटेज में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे एनुअल एग्जाम में और उसके बाद यहाँ पर हम लोग परसेंटेज 2 में डबल क्लिक करके गॉड फोकस इवेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी और यहाँ पर भी हम लोग टेक्स्ट टोटल 2 कर देंगे। और उसके बाद जो है इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे कंट्रोल एस और कंट्रोल डब्लू। और उसके बाद जो है हम लोग वापस हाफ ईयरली एग्जाम में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ग्रेड में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल ए करेंगे और उसके बाद कॉपी करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग वापस एनुअल एग्जाम में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग ग्रेड 2 में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग गॉड फोकस इवेंट में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग टेक्स्ट परसेंटेज को 2 कर देंगे, टेक्स्ट परसेंट 2, और उसके बाद यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 कर देंगे। और इसके बाद हम लोग इसको भी सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्लू। तो यहाँ पर जो है हमारा फॉर्म का कोडिंग जो है कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मॉडिफाई की जगह पर 2 कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक नया रिकॉर्ड सेव करेंगे। देखिए यहाँ पर टोटल जो है कैलकुलेट हो चुका है। इसी तरह से हम लोग टैब प्रेस करके परसेंटेज में अगर आते हैं तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज भी कैलकुलेट हो चुका है। इसी तरह से ग्रेड भी हमारा कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग बोथ एग्जाम में आएंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करके देख लेते हैं कि हमारा सर्चिंग काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग SID 4 देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा SID 4 आ चुका है। 2 देते हैं तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया है। इसी तरह से हम लोग इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेम लेंगे और नेम में यहाँ पर हम लोग देंगे राजू। तो देखिए हमारा राजू आ चुका है। इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर श्याम देते हैं तो यहाँ पर हमारा श्याम आ चुका है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम में आते हैं और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट और प्रीवियस बटन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा काम कर रहा है लास्ट फर्स्ट। और यहाँ पर जो है हम लोग इसको एडिट करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एडिट भी बटन काम कर रहा है सही से। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पेमेंट नाम से एक नया टेबल क्रिएट करेंगे इसके स्कूल डेटाबेस में। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि इस क्लास का अगला वीडियो जब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।